तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे वीवीए में ए। तो पहले मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे डिम पी एज ए लॉन्ग हमने डिफाइन किया। फिर कहते हैं डिम आर एज ए डबल डबल और डिम टी एज ए बाइट या इंटीजर कर लीजिए क्योंकि छोटा अमाउंट होता है टी। और यहाँ पे पी को इनपुट बॉक्स से ले ले किसी सेल से ले ले या मैनुअल दे दे वो डिपेंड करता है सर, एग्जाम्पल यह में। सर यहाँ चीज थोड़ा ये डिम जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मतलब किस बेस पे डिफाइन करते हैं सर? क्लास दिया था ना आप, नहीं थे क्या? नहीं, वो वेरिएबल की क्लास थी सर, वो वेरिएबल मैंने देखा है। उसमें समझाया ना मैंने, और लेकिन सर लेकिन सर डिफाइन किस डिफाइन किस बेस पे बेस पे करते हैं, करते हैं मतलब मतलब कैसे डिफाइन है? जो स्टोर करेंगे उसके बेस पे। हमें मुझे पी एक लंबा सा वैल्यू चाहिए था, हमने लॉन्ग ले लिया। अब मुझे आर क्या है, परसेंटेज है। अगर हम अब न्यूमेरिक एक सर मिनट एक मिनट, जैसे हम एक हम न्यूमेरिक वैल्यू मुझे नहीं लेते तो कंप्लीट हम करने वेरिएबल दीजिए, डिफाइन नहीं मुझे करेंगे। ठीक मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना सर। है, तो आप वेरिएबल सबसे पहले कि आपको कैलकुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो मुझे रिक्वायरमेंट है इसका प्रिंसिपल का, रेट का और इसका टाइम का। टाइम तो है। प्रिंसिपल जो है ये हमारा, एक तो जान लीजिए कि बड़ा अमाउंट हो सकता है और हमेशा ये होता है अब्सोल्यूट होता है, इसमें डेसिमल नहीं जाता है। तो हमने लॉन्ग ले लिया। फिर हमें चाहिए आर। आर क्या, रेट। रेट परसेंटेज में होता है और एक्सेल परसेंटेज को डेसिमल मानता है, तो डेसिमल डबल के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। ओके, फिर आता है टी। टी पे एक नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर है, डेसिमल वगैरह नहीं रहेगा इसमें और माइनस भी नहीं रहेगा। तो हम यहाँ इंटीजर या बाइट ले सकते हैं। ठीक है, बाइट लेंगे तो 255 मंथ ईयर तक जाएगा, और अगर आप इंटीजर लेते हैं तो ज्यादा जाएगा। तो 255 महीना से ज्यादा तो होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे बाइट ले लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? और हाँ वेरिएबल सर, तो सर डिफाइन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल क्यों डिफाइन करना पड़ेगा, आपने वेरिएबल क्लास में एक्सप्लेन किया था, उसको देख लीजिए। टी इक्वल टू 5 ईयर कर दिया। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना आई, लेकिन जब भी इंटरेस्ट निकलेगा कैलकुलेशन होगा तो डेसिमल आने के चांसेस है क्या? ब्याज जब भी निकालते हैं उसमें डेसिमल हो सकता है ना। तो मुझे यहाँ पे आर के बगल में आई का एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंटरेस्ट। अब यहाँ पे करते हैं आई इक्वल टू पी आर टी, तो पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। फिर यहाँ पे एम एस जी बॉक्स के अंदर में हम आई को क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। आ गया बच्चे, तो यहाँ आ गया सर। बाईस हजार 500 इंटरेस्ट हुआ 9% से 5 सालों में, किसका, 50,000 का। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब इसमें हम दूसरे पे बात करें, ये समझ में आ गया रिजल्ट? एक हाँ कोड में कोई सर, दिक्कत किसी को? अब नहीं दूसरा एग्जांपल कहता है कि ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + RT, अमाउंट निकालना है पूरा, राइट? इसी में इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट प्लस अमाउंट कितना होगा। तो इसमें दो चीजें हैं, जो आपने इसका रिजल्ट निकाला इसमें प्रिंसिपल जोड़ दीजिए, या फिर आप जो है इस हमारे इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। तो चलिए इस फॉर्मूले को फॉलो। तो इसी को यहां से कॉपी कर लेते, ये बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस हमारा कैलकुलेशन चेंज होगा यहां पे। ठीक है, तो ये है पी ब्राइकेट। देखिए ब्राइकेट डायरेक्ट नहीं डालेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सर? क्योंकि ब्राइकेट इट मीन्स मल्टीप्लाई 1 + एक बार और ब्राइकेट लेंगे आर मल्टीप्लाई बाई टी। ये ब्राइकेट क्लोज किए, ये ब्राइकेट क्लोज किए। ओके सर, तो ये देखिए, एक मिनट, एक नाम के दो मैक्रो नहीं होना चाहिए, हमने टू कर दिया। अब यहां पे मैं इसको प्ले करता हूं तो आप देखेंगे 72,500, क्लियर है? अब तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। यहां पे हम तीसरा देते हैं, बिल्कुल बाकी सब चीज सेम रहेगा। अब इसमें क्या है, आप
आई के जगह में ए ले लेते हैं पहले, ए, और यहाँ पे एम आर हो गया, एक और एम भी है, एम मतलब कितना, तो एम को आप यहाँ पे हमने कर दिया डिम, एम एज ए हमने कर दिया ऑल्सो बाइट। ये होता है कि आपका, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और नेक्स्ट सीक्वेंस में वो आपका जो प्रिंसिपल है अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होते रहता है। तो वो इंटरेस्ट कितने बार कितने महीने पे जुड़ेगा ये आपका है। तो कुछ लोग मंथली होता है, कुछ ईयरली होता है। तो एम हो गया, और यहाँ एम इक्वल टू हम 12 कर देते हैं, क्या कर दिया 12। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आप देखेंगे यहां पे, फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम पावर ऑफ एम टी, एम मल्टीप्लाई बाय टी, यही है ना सर। तो चलिए वीवीए में चलते हैं। तो ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम, और इन दोनों का पावर, पावर का सिंबल ये होता है जो शिफ्ट के साथ 6 करते हैं, और यहां होता है एम मल्टीप्लाई बाय टी, और ये जो प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई है ओवरऑल मल्टीप्लाई है, तो हम इसको ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं। और यहां पे कीजिए एम, यहां पे ए करते हैं, देखिए इसका रिजल्ट कि आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट में बहुत सारा डेसिमल लगा है, इसको हटाना है तो दो चीजें हैं, या तो आप ए को डबल के जगह पे कर दीजिए लॉन्ग, या फिर यहां लगा दीजिए फॉर्मूला राउंड का, राउंड, और यहां पे हमने कर दिया राउंड हो गया या इंट हो गया, तो दो डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो हमने दो कर दिया। तो अब जो है डेसिमल सिर्फ दो दिखेगा, क्लियर है, समझे कि नहीं। अब यहां बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरे इमेज पे आते हैं। दूसरा इमेज जो था वो हमने एक बुक से लिया था, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे क्यूबिक का मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ एल बी एच, ठीक है ना, लेंथ हाइट, और बी फॉर क्या होता है पता नहीं, बी फॉर क्या होता है सर, क्या ना सर, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई पढ़े थे ना, तो हिंदी मीडियम में थे ना, आयतन पढ़ा था हमने, क्षेत्रफल पढ़ा था हमने, त्रिकोण वर्ग क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सब मैं यहाँ पे एम अंडरस्कोर 4 कर देता हूँ, ओपन क्लोज। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एल बी, यहाँ पे चाहिए एल बी, एल बी एच, राइट, तीन चाहिए, और तीनों हमारा एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम करते हैं डिम एल कॉमा बी कॉमा एच एज ए, हम दे देते हैं लॉन्ग, और डिम मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या क्या निकालना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है, तो है ना, और यहाँ पे एक आता है टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे वी कॉमा हो गया, एस ए सरफेस एरिया हो गया, एंड टी अंडरस्कोर एस ए टोटल सरफेस एरिया हो गया एज ए। अब मैथमेटिकल में डिवाइड स्वाइड होगा तो जाहिर सी बात है डेसिमल आने के चांसेस है, हम क्या करेंगे डबल ले लेंगे। अब यहाँ पे एल करता हूँ कि 20 है, बी करता हूँ 10 है, और एच करता हूँ 7 है, हमने एक नंबर डिफाइन करे, इसी इनपुट बॉक्स से भी ले सकते हैं या किसी सेल से, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया। अब मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम क्या है एल बी एच, राइट। यहाँ पे हमने डिम, तो डिम नहीं सॉरी वी, वी इक्वल टू हमने कर दिया
LBS, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। फिर आता है एस ए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इक्वल टू क्या है, सरफेस एरिया है 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है सर। यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट L प्लस बी, 2H है, 2H, 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 2H,
बाद टोटल सरफेस लिया, तो यहाँ पे टी अंडर स्कोर एस ए इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल। तो इसमें क्या है, दो मल्टीप्लाई और प्लस है तो इंडिविजुअल करना पड़ेगा, मतलब कि एल बी तो एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी एच, बी मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एच एल, एच एल एच मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और ये निकल गया एरिया हमारा। अब यहां पे एम एस जी बॉक्स, यहां पे वी इन्वर्टर कोमा में वी इक्वल टू एन परसेंट वी, अगेन एन परसेंट कॉमा स्पेस एस ए, हाँ एस ए इक्वल टू एन परसेंट एस ए, अगेन एन परसेंट कॉमा स्पेस टोटल एस ए मल्टीप्लाई बाय टी अंडरस्कोर एस ए, एन परसेंट देना था। अच्छा यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, ये मैसेज बॉक्स वाला कोडिंग नहीं समझ आ रहा है। मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। स्पेस देना होता है इसे। अब मैसेज बॉक्स में हमें प्रिंट करना है, तो देखिए क्या प्रिंट होगा। ये देखिए तो वॉल्यूम 1400, सरफेस 420 और टोटल सरफेस एरिया 820। तो ए जो समझिए ना, तो ये बेसिक करने मतलब कि मैं सिर्फ बी एच कर दूंगा तो एक नंबर फिगर आ जाएगा ना, सिर्फ ज्वाइंट हो जाएगा तो लंबा सा फिगर देखेगा। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया बी और एन परसेंट दिया क्योंकि यहां से वैल्यू चाहिए था, समझ गए। तो इस तरह से बनाना था। अब प्रदीप जी एंड पवन जी बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको इसमें जो आपने नहीं बनाया या बन नहीं पा। और प्रदीप बेडुला जी आपको क्या दिक्कत हो रही थी? सर दिक्कत नहीं थी सर, सर सर ओके। मेरे जो प्रॉब्लम दूसरा सर कि जो उन्होंने अटेंडेंस चेक किया था तो उसमें आपने बोला था कि जहाँ तक है जहाँ संडे को आप वीकली ऑफ लेके आना चाहिए तो ये तो उसके लिए इसका फॉर्म लग गया। सर बताया प्रदीप जी आपकी आवाज बिल्कुल जो है हम बचपन में जो रेडियो पे न्यूज सुनते थे ना उसके जैसा लग रहा है। कुछ समझ में आया क्या बोला आप? पहला दो वर्ड सुनाई देता था बीच में कट जाता है, दोबारा बोलेंगे? जी अभी आवाज क्लियर आ रही है, अभी थोड़ा बेटर रहता है। हेलो, हाँ सर आपका आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है सर। हेलो, हाँ सर सुन पा रहा हूँ। सर मैं क्या कह रहा था कि लास्ट टाइम आपने एक अटेंडेंस का एक्सेस करवाया था लास्ट में। हाँ तो अटेंडेंस के प्रोजेक्ट में आपने पूरा अटेंडेंस का टेबल वगैरह बनवाना सिखाया था कि डेट वगैरह सब आ जाएगा उसके अंदर। फिर आपने क्या कहा था कि जो डेज है जहां जहां पर संडे है वहां पर उसकी सेल की कदर अलग होनी चाहिए और उसके कॉलम में हर जगह वीकली ऑफ लिखा हुआ आना चाहिए।
तो मतलब पूरा एक रो की रेंज पे इसका फॉर्मूला लगेगा, इसका नहीं लगेगा, उसकी कोडिंग कैसे कंडीशनल करनी है हमको नहीं फॉर्मेटिंग समझ हमने आया था। बताया था, हमने बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। हाँ सर, एक जहाँ पे जहाँ पे डे है डे वहाँ है वहाँ कंडीशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग आएगा, और है, जो और जो कॉलम है कॉलम है उसमें उसमें वीकली ऑफ, वीकली वीकली ऑफ ऑफ लिखा लिखा हुआ हुआ आएगा। आएगा हाँ सर। हुआ है नहीं हुआ, तो वो कैसे करेंगे, वीकली आप छोड़िए, अब वो नहीं हो कंडीशनल पाया था फॉर्मेटिंग सर, लगा पाए कि नहीं लगा पाए बताइए, नहीं नहीं लगा लगा पाया था सर पाया मैं। सर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने नहीं आया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कोड एक्सेल में लिखने नहीं आया, दो चीजें हैं। उसका उसका कोड कोड एक्चुअली एक्सेल लिखने में को नहीं लिखने आया नहीं था। आया, नॉर्मली कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा लिए नॉर्मल विदाउट कंडीशन वीवीए फॉर्मेटिंग और आता है विदाउट सर। एक्सेल, हाँ तो आप पहले वीवीए विदाउट वीवीए उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाइएगा ना पहले, और ओके, जो उसके बाद उसी चीज को रिकॉर्ड करके डाल दीजिए कोड में, फिर कोड को कर दीजिए डायनेमिक, तब होगा ना, अच्छा समझ गए। हमने आपको बताया था, अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजा है उसको देख लीजिएगा, इसमें वीवीए नहीं है, एक्सेल के जरिए कैसे उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया गया है उसको देख लीजिए, भेजा ग्रुप में, और फिर जी उसके जी हिसाब से आप कीजिए, ठीक है।